हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप पंचमैन का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको कितना छुट्टी मिलता है उसके बीच में, और पंचमैन का ट्रेनिंग करने के बाद आपको कितना ट्रेनिंग का सैलरी आता है उसके बारे में इस वीडियो में हम पंचमैन का ट्रेनिंग टोटल 24 दिन का होता है, आपको पता होगा 24 डेज, और उसमें छुट्टी के दिन को शामिल कर लिया जाता है तो वह हो जाता है 30 डेज, मतलब 30 दिन, एक महीने का लगभग समय हो जाता है। तो उसमें संडे को आपका छुट्टी रहता है, वो ऑफिशियली छुट्टी है। आप सभी जो पॉइंटमैन का ट्रेनिंग करेंगे या करने वाले हैं उन सबको यह छुट्टी कॉमन है, मिलेगी। संडे का छुट्टी है या कोई हॉलीडे बीच में आ गया उसका छुट्टी आपको मिलेगा, ये अनिवार्य छुट्टी है। और उसके बाद अगर आपको कोई आवश्यक कार्य हो गया तो एक दिन का जो छुट्टी होता है आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से 2 दिन भी आपको छुट्टी की कोई आवश्यकता होती है तो उसके लिए जो आपके इंस्ट्रक्टर सर हैं उनको एक आवेदन देके आप अपना छुट्टी ले सकते हैं। ऐसे बिना आवेदन के आप ट्रेनिंग में कोई छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ये बात आप भली भांति जान लीजिए। छुट्टी का जो प्रोसेस है कम रखा गया है, यह रखने का यह रीज़न है क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वही है 24 डेज। आपको एक तो कम दिन का ट्रेनिंग है उसमें आपको ज़्यादा छुट्टी कभी नहीं मिलेगी, ये बात आप लोग जान लीजिए। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अति आवश्यक कार्य होगा तो आपको 3 से 4 दिन का छुट्टी मिल सकता है, उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उसकी सैलरी के बारे में भी हम बात करते हैं आपको। अगर कोई लड़का है कि वह छुट्टी पर चला गया 2 दिन के लिए चाहे 1 दिन के लिए, तो उसका सैलरी का जो बात रहता है क्योंकि उसका अटेंडेंस बनता है, आप जो ड्यूटी कीजिएगा वहाँ पे ट्रेनिंग कीजिएगा उसका पर डे का अटेंडेंस बनता है। अटेंडेंस रजिस्टर होगा जो सर के पास रहता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर सर रहते हैं उनके पास रहता है, और वो उस पर आपका रोज का अटेंडेंस बनाते हैं कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है और कितने अब्सेंट है, ये बात आपको उसमें नोट रहता है। अगर आप छुट्टी जो ली है उसका एप्लीकेशन उसमें लगाया जाता है, और आप जिस दिन छुट्टी में है अगर वो सर चाहते हैं तो आपको उस दिन का सैलरी कट भी सकता है। अगर ज़्यादा दिन हो गया, जैसे 4 दिन आप छुट्टी ले लिए, 3 या 4 दिन, तो आपको हो सकता है उसका छुट्टी का जो स्लिप है चला जाएगा होम क्वार्टर में, हेड क्वार्टर में जो होता है, हेड क्वार्टर आपको DRM ऑफिस उसमें चला जाएगा, तो आपका जो छुट्टी का जो दिन है उसके दिन आपका कोई सैलरी नहीं मिलेगा। अगर 1 दिन का बात है, अगर उसका छुट्टी लिए हैं तो वो TI सर के ऊपर रहता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर सर रहते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है कि वो भी आपको उस दिन का सैलरी काट सकते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, जो ट्रेनिंग करने वाले हैं चाहे ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, जो आप ट्रेनिंग कीजिएगा उसमें आपको ज़्यादा छुट्टी कभी नहीं मिलेगी, ये बात आप लोग भली भांति जान लीजिए। क्योंकि मैंने भी अपना ट्रेनिंग किया है और हम लोगों के भी बैच में जो ट्रेनिंग हुआ था तो टोटल स्टूडेंट में से लगभग कोई स्टूडेंट था जिसका तबीयत खराब हो गया था, उसे 1-2 दिन का छुट्टी आपको मिलता था, उससे ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग कर रहे हैं चाहे करने वाले हैं तो इतना काम कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेने का ही प्रयास कीजिएगा। अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो सर को बोल के आप अपना छुट्टी ले सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको तो बता ही दिया कि कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे छुट्टी आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी आप ले सकते हैं। अब आप कि अगर आप पंचमैन का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना सैलरी मिलता है और यह सैलरी कब आता है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग किया है तो मेरा भी सैलरी आया है, और कितना लेट से आया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कितना आएगा आप लोग कीजिएगा तो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो सैलरी का जो बात रहता है, आपका जो ज्वाइनिंग कीजिएगा तो ज्वाइनिंग करने के बाद में बहुत सारा प्रोसेस रहता है, HRMS ID बनता है, प्रान नंबर बनता है, और ये सब प्रक्रिया होती है, ये सब बनने में ही काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि PF नंबर अभी नहीं आता है। जब तक PF नंबर कब आता है, जब आपका फाइनल पोस्टिंग हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको लर्निंग पोस्टिंग होता है, LR पोस्टिंग उसको बोला जाता है, लर्निंग पोस्टिंग। तो LR पोस्टिंग के बारे में आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे उसका पोस्टिंग होता है, मेरा भी LR पोस्टिंग हुआ है और मैं अपने LR पोस्टिंग को कर रहा हूँ, उसके बाद में फाइनल पोस्टिंग होगा उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। तो आ जाइए मैंने मेन बात पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी कितना आएगा। सैलरी का मतलब है आपको सैलरी स्टाइपेंड आएगा, क्योंकि 24 डेज का जो वर्किंग डेज है, आपको जो पॉइंटमेंट का ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको 24 डेज का स्टाइपेंड आएगा, और स्टाइपेंड कितना आएगा तो 18,000, जिसको बोला जाता है 1800 बेसिक प्लस BA, उतना ही आपको स्टाइपेंड आएगा। तो 18,000 हो गया आपको बेसिक, और उसका 42% आपको जोड़ लीजिए DA, अभी DA जो है 42% चल रहा है। तो जो भी स्टाइपेंड है आपको बेसिक प्लस DA आपको जो मिलने वाला है वो आपको 1800 जो बेसिक हो गया और 42% जो DA हो गया वो दोनों आपको मिला के मिलेगा। तो आपको ये जो पैसा होता है ये कब आता है आपके अकाउंट में, तो आपके अकाउंट नंबर तो सब जॉइनिंग के समय में ही लग जाता है, और लेकिन जब आप ट्रेनिंग कीजिएगा, ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसका आपको एग्जाम भी हो जाएगा,
एग्जाम होने के बाद में इसका जो मस्टर्ड होता है, अटेंडेंस सीट होता है, ये सब आपको डिवीजन में TIA सर जो होते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर सर होते हैं, वो आपको ले जाकर वहाँ पे जमा करते हैं और आप लोग वहाँ पे जाते हैं, आपको वहाँ पे आपका पोस्टिंग के स्लिप मिलता है कि LR पोस्टिंग में आप लोग जाइए, तो आप लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो पैसा का प्रोसेस रहता है जो आपको आने वाला है, 18,000 हो गया आपका बेसिक, उसके बाद में आपका हो गया, उसके बाद में आपको 42% आपका DA हो गया, दोनों मिलाकर हो जाता है 25,560 रुपया, क्योंकि 42% DA है, आप 18,000 का 42% आपको जोड़ दीजिएगा कितना होता है, तो हमारे हिसाब से वो 25,560 रुपये के करीब होता है, उतना आपको आएगा। और खाता में थोड़ा लेट से ही आता है, क्योंकि हम लोग के खाता में 1.5-2 महीने ही लग गया वो इस टाइप बनाने के लिए, क्योंकि डिवीजन में जाने के बाद बहुत सारा प्रोसेस रहता है, और जल्दी हो गया तो आपको 1 महीने में आ जाएगा, 1.5 महीने में, तो 2 महीने भी लग जाता है कभी कभी। तो घबराने की कोई बात नहीं रहती है कि पैसा हम लोग का नहीं आएगा, हम लोग का भी पैसा नहीं आता, तो हम लोग भी बहुत परेशान थे, और हम लोग TI सर को अपना बोलते थे, जहाँ पे LR पोस्टिंग अपना कर रहे थे वहाँ के सर जो ऐसे सर थे और TI सर थे, उनको बोल रहे थे कि सर थोड़ा हम लोग के पैसा के बारे में पता कीजिए, तो हम लोग को बताए थे कि जहाँ आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, आप लोग का 2 महीने के एक साथ मिलाकर स्टाइपेंड और सैलरी आएगी, तो ऐसे ही सबका प्रोसेस होता है और ऐसे ही आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि सैलरी नहीं मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, ये बात आप लोग जान लीजिए कि आपको सैलरी स्टाइपेंड के रूप में मिलती है, तो इतना पैसा आपको उसमें मिलेगा 25,560 रुपये। और दूसरा जो HRA होता है, TA होता है, ये सब कुछ नहीं मिलेगा जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे आपको वीडियो में, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो आपको ट्रेनिंग कर लिए, आपको LR पोस्टिंग के लिए आइएगा, तो LR पोस्टिंग कैसे होता है और क्या प्रोसेस होता है उसका, और LR पोस्टिंग में कितना सैलरी आएगा उसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।